अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अब्बास और खुशामदीद हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह मौजूद है एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है एक अल्लू अर्जुन का एक टीजर आया है एक अपकमिंग मूवी का, उनको इंट्रोडक्शन की एक, तो हम चल के टीजर देखते हैं वो। तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलिएगा और घंटा जरूर बजा दीजिएगा। पहले वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में। जनाब भाई, हैप्पी बर्थडे पहले अल्लू अर्जुन को। और हमारी ये रिक्वेस्ट की थी हमारे प्यारे दोस्त सोनू मिर्जा ने, जो हमने उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो थोड़ा सा दो दिन हम लेट हो गए, बहरहाल कहते हैं हमने उनकी फरमाइश पूरी कर दी। इस तरह आप हमें अपनी फरमाइशें भेजते रहा करें, बताते रहा करें कोई अच्छी फिल्में, कोई अच्छा कमर्शियल, कोई अच्छी ऐसी वीडियो जो लगे कि हाँ उस पर हमें रिएक्शन देना चाहिए, वो बताते रहा करें। और क्या कहते हैं, फिल्म बड़ी शानदार है और हमेशा इनकी फिल्म बड़ी अच्छी होती हैं और जो उनमें एक्शन दिखाया बहुत ही क्लास सुपर डुपर। और ऐसी मुझे फिल्में पसंद है, एडवेंचर टाइप की, जंगल की इस टाइप की होती है ना, मुझे बैजाई फिल्म बहुत अच्छी लगती है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग, क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से मुसलसल वीडियो देखते हैं, ट्रेलर रिएक्ट कर रहे हैं, तो जितना क्वालिटी कंटेंट और जितना ऑडियंस के मतलब का कंटेंट साउथ से आ रहा है ना, वो जो बॉलीवुड बीच में से गायब होता जा रहा है, तो बॉलीवुड के लिए मेरी नज़र में एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि बिल्कुल भी उस तरीके का कंटेंट जिस तरीके का हम लोग पसंद करते हैं एक्शन मूवीज़, वो साउथ बहुत अच्छी अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। और उनका स्केल जो है, अब देखो आप, अगर एक इंट्रोडक्शन है किसी भी हीरो का तो क्या ग्रैंड इंट्रोडक्शन है यार, वो मतलब आप देख के ही आपको पता चल रहा है कोई हीरो आ रहा है। तो और अल्लू अर्जुन के तो वो हैं भी फेमस कि भाई जो है वो नोन है, उनको बहुत पसंद किया जाता है साउथ में और वैसे ऑल ओवर द इंडिया। तो मेरी नज़र में कि जो साउथ इंडस्ट्री है, बहुत कहना मेरे ख्याल से जल्दी होगा, लेकिन वो ओवरकम करे जा रही है बॉलीवुड के क्रेज़ को। इतने बड़े बड़े स्टार्स उनके प्रोड्यूस हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े वो जो मूवीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना बिजनेस कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए नेक्स्ट जो गो टू थिंग होगी वो साउथ की मूवीज़ होंगी, जो कि हम शायद अपनी ज़बान में डब करके देखना चाहें। बहरहाल ये एक इंट्रोडक्शन था और इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में इसका जब ट्रेलर या टीज़र आएगा तो हम उसको भी रिएक्ट करेंगे। और हमारी तरफ से आज के लिए इतने, आप फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक ले जा दीजिएगा। बाकी बात अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।